नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। घटना पर अलीगढ़ के IG शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में SOG की टीमों को आरोपियों के चिन्हीकरण व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेते हैं दूसरी खबर। राजधानी लखनऊ में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही रोक लिया, जिस पर सभी धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे बाद ज्ञापन लेकर पुलिस ने धरना समाप्त कराया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उन्हें इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया गया। बढ़ते तीसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अनेक भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है। इसके समुचित समाधान के लिए शासन प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसे सुनिश्चित करना ही होगा कि वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हों, सड़क किनारे नहीं। आवश्यकता पड़े तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि हर नगर निगम में एक एक मलिन बस्ती चिन्हित करें, उसे बहुमंजिला भवन बनाकर विकसित करें। लेते हैं चौथी खबर को। काशी के करीब 700 धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराने की तैयारी है। इनमें हिंदू मंदिरों के अलावा जैन, बौद्ध और गुरुद्वारे भी शामिल हैं। जिले के पर्यटन स्थलों तक सैलानियों की पहुँच बढ़ाने के मकसद से मंदिरों और गुरुद्वारों का कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए काशी के धर्मस्थलों का सर्वे कराया है। बौद्ध, जैन मंदिरों और गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही इनसे जुड़े साहित्य को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इन धार्मिक स्थलों को QR कोड से लैस किया जाएगा ताकि पर्यटकों को ऑनलाइन विस्तृत जानकारी मिल सके। पहले चरण में 300 धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। लेते हैं पांचवी खबर को। विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में मारकुंडी जंगल के पास बने उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज में पहली ही बारिश में ही निर्माण में हुई धांधली की पोल खुलने लगी है। मानसून की पहली बारिश में ही ब्रिज के कई स्थान पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इससे स्काई ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इसे पवन सुत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, लेकिन ब्रिज के उद्घाटन से पहले हुई मानसून की पहली बारिश ने निर्माण कार्य में हुई धांधली की पोल खोल दी है। पहली बारिश में ही कई स्थानों पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। और करते अगली खबर की ओर। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए विस्तृत आवेदन पत्र यानी DEF जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने CSE प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 12 जुलाई शाम 6 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा। बता दें कि UPSC मेंस DEF 2024 में व्यक्तिगत, शैक्षिक, माता पिता और कार्य अनुभव की जानकारी आवश्यक होती है। जो लोग UPSC मेंस चरण में चयनित होते हैं, उन्हें इस फॉर्म का दूसरा भाग यानी DEF 2 भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी Grade 2 जनरल सर्जन के 411 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। सिर्फ 51 पदों पर ही चयन हो सका है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 360 पद खाली रह गए। खास बात यह है कि जिन 51 पदों पर चयन हुआ है, वो सभी अनारक्षित श्रेणी के हैं। आरक्षित श्रेणी के एक पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। 411 पदों में 338 पद जनरल सर्जन और न्यूरो सर्जन और 73 पद प्लास्टिक सर्जन एवं गैस्ट्रो सर्जन के हैं। इनमें से 62 पद अनारक्षित, 188 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 130 पद अनुसूचित जाति, 11 अनुसूचित जनजाति और 40 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। लेते हैं अगली खबर को। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। 2 साल पहले जनरल बोगियों को कम करने के बाद अब बोर्ड ने GS के साथ ही स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद एनी रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार आगामी दिनों में सभी प्रमुख ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल कोच होंगे। 4 कोच हो जाने से जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं नवी खबर की ओर। अब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने ईष्ट के साथ सेल्फी ले सकेंगे, वो भी एकदम करीब से। उन्हें यह सुविधा दर्शन मार्ग पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की ओर से सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसमें गृह गर्भ की तर्ज पर भगवान राम की 2 अनुकृतियां लगाई गई हैं। इसी के साथ मंदिर की व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। समिति ने पुजारियों को भी रामलला के गर्भगृह में मोबाइल फोन लेकर जाने पर रोक लगा दी है। लेते हैं आज की अंतिम खबर को। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अलीगढ़ नोड में 3300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 39 कंपनियों ने अभी तक निवेश में रुचि दिखाई है। इससे करीब 9000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश सरकार इस डिफेंस कॉरिडोर नोड को विकसित करने के लिए
122 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए झांसी, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ और आगरा को चिन्हित किया गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी अहम खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।